लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। विश्व पर्यावरण संवर्धन दिवस के अवसर पर आज बीजेपी के युवा नेता सुनील सुतार ने नेरुल के पाम बीच मार्ग पर पाम ट्रीज का वृक्षारोपण किया और हरियाली बचाने का संदेश दिया। इस अवसर पर अनवर पाटनकर, विशाल शर्मा, सलीम सारंग, विकास सिंह और रोनित सुतार भी मौजूद थे। युवा नेता सुनील सुतार ने कहा कि बढ़ते शहरीकरण के कारण पर्यावरण का भारी नुकसान हो रहा है, इसलिए पेड़ लगाकर और हरियाली बचाकर इसका संवर्धन करना जरूरी है। उन्होंने नागरिकों से पेड़ लगाने और प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करने की भी अपील की। देखिए रिपोर्ट। पर्यावरण सुरक्षित है तो जीवन भी सुरक्षित रहेगा। पर्यावरण संरक्षण दिवस पर यही संदेश देते हुए आज बीजेपी युवा नेता सुनील सुतार ने पाम बीच रोड पर वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर अनवर पाटनकर, विशाल शर्मा, सलीम सारंग, विकास सिंह और रोनित सुतार भी मौजूद थे। युवा नेता सुनील सुतार ने कहा कि बढ़ते शहरीकरण के कारण पर्यावरण और प्रकृति का नुकसान हो रहा है, इसलिए हरियाली बचाकर और पेड़ लगाकर हमें इसका संवर्धन करना चाहिए। उन्होंने नागरिकों से भी पेड़ लगाने और प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करने का भी आह्वान किया। पाम बीच रोड पे हमने आज वर्ल्ड एनवायरमेंट कंजर्वेशन डे, नेचर कंजर्वेशन डे, मतलब आज पर्यावरण संवर्धन दिन है 28 जुलाई। उसमें क्या होता है कि हमको पर्यावरण के प्रति जितना हमको करना है उनका संरक्षण करने के लिए वो प्रति हमको और आगे बढ़ना चाहिए, उसका ही एक आज उद्देश्य हमने लिखे। आज हमने पाम बीच रोड पे बॉटल पाम ट्री का यहाँ पे झाड़ लगाया है। इसका कारण यही है कि हम जितने जितने पेड़ लगाए उतना अपन इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्लास्टिक का वापर कम करो। सब नई मुंबई को तो एक ही आह्वान करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, प्लास्टिक का उपयोग कम करें और पर्यावरण को सुरक्षित रखने की कोशिश करें। तो पर्यावरण का संवर्धन करना बहुत ही जरूरी मुद्दा है। पर्यावरण है तो हम हैं, मैनकाइंड है। इस अवसर पर वृक्षारोपण अभियान में शामिल अन्य पदाधिकारियों ने भी पर्यावरण संवर्धन दिवस को जागरूकता बढ़ाने का जरिया बताया और प्रकृति एवं पेड़ों को बचाने का संकल्प लिया। आइए सुनाते उन्होंने और क्या कुछ कहा। And he is always emphasizing on protection of the environment because we are always doing development work. But development with development, there is a problem for the environment. So we have to strike a balance with it. Like if you see, in places like Chiklur, Mahar and all, they have done a lot of land filling and reclamation work. That is the reason the floods have come. More and more. ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।